हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 14 नवंबर 2021 रविवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री ने की है बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग। जो विज्ञापन युवाओं को अमीर होने का लालच देते हैं उन पर लग सकती है लगाम। यूपी के आजमगढ़ का नाम बदलकर हो सकता है आर्यमगढ़, सीएम योगी ने दिए हैं इसके संकेत। वहीं मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब जाना जाएगा रानी कमलापति के नाम से, पीएम मोदी खुद करेंगे इसका उद्घाटन। पॉल्यूशन की वजह से लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, सरकार ने इस पर बयान देते हुए एक हफ्ते के लिए स्कूल और सरकारी दफ्तर कर दिए हैं बंद। हालात न सुधरने पे लग सकता है पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन। कंगना रनौत ने अपने पिछले बयान को लेकर फिर किया तीखा वार। कंगना ने कहा कि अगर कोई बता दे कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी। गेम खेलने वालों के लिए जियो ने किया बड़ा ऐलान, मिल सकता है 12.5 लाख रुपए का इनाम। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारे चैनल यानी कि सब कुछ सीखो जानो की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों आज से लेकर अगले 7 दिनों के लिए हमारे चैनल पर वीडियो देखकर करें लाइक और शेयर और जीते ढेरों इनाम का एक ऑफर चलेगा। दोस्तों इस ऑफर के तहत रोजाना ही किसी एक यूजर को मोबाइल से जुड़ी एक मजेदार चीज मिलेगी, जैसे कि ब्रांडेड कंपनी का एयरफोन, स्पीकर या इतने का ही कैश प्राइस। तो आज ऑफर में हिस्सा लेने वालों में से कोई एक यूजर जीत सकता है ये बोट कंपनी का हाई क्वालिटी और बेहतरीन फीचर के साथ आने वाला एयरफोन। दोस्तों वीडियो में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करना, बल्कि इसी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, फिर इसके बाद वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना है। साथ ही वीडियो में जब आगे सर्वे पूछा जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो जितने भी यूजर इन सभी काम को सही से करेंगे तो उन्हीं में से किसी एक को मिलेगा इनाम। तो दोस्तों केवल कुछ मिनट लगाकर ये ब्रांडेड एयरफोन बिल्कुल फ्री में हो सकता है आपका। टर्म्स कंडीशन के तहत आपको बता दें कि ये ऑफर अगले 7 दिनों के लिए चलेगा और रोजाना रैंडमली एक यूजर को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर जीते हुए सामान की डिलीवरी सीधे उसके घर करा दी जाएगी। तो दोस्तों अब और ज्यादा बात न करते हुए चलिए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसे करेंसी को लेकर प्रधानमंत्री ने की है मीटिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल को लेकर जताई है चिंता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को क्रिप्टो करेंसी और इससे संबंधित मुद्दों के लिए एक व्यापक बैठक की। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर गैर पारदर्शी विज्ञापन और ज्यादा वादों को लेकर युवाओं को गुमराह करने से रोका जाना चाहिए। दोस्तों आप में से भी कितने सारे लोग अभी यूट्यूब पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन के या जल्दी अमीर होने के विज्ञापन देखते होंगे? जाहिर सी बात है जल्दी अमीर होने के विज्ञापन से कोई भी गुमराह हो सकता है। तो इसी की वजह से पीएम मोदी ने जो बैठक की है इसमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि जो भी ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं उनको सही से देखा जाए और जो भी विज्ञापन ऐसे मिलते हैं जो कि युवाओं को गुमराह कर सकते हैं या वो क्रिप्टो करेंसी या किसी दूसरी चीज को लेकर पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं यानी कि पारदर्शिता नहीं है, तो ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। सीधी सी बात है अगर इस तरह के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाई गई तो कई सारे लोगों के तो पैसे बर्बाद हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। योगी सरकार ने एक और जिले के नाम बदलने के दिए हैं संकेत। यूपी के आजमगढ़ का नाम हो सकता है आर्यमगढ़। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के भी संकेत दे दिए हैं। सपा के गढ़ आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की पहचान के संकट को खत्म करेगा, वहीं आजमगढ़ को भी आर्यमगढ़ बनाएगी। यानी कि योगी मुख्यमंत्री के मुताबिक जो नया विश्वविद्यालय बना है तो ये आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का काम करेगा। इसी की वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जा सकता है। नाम बदलने को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने है। बदल गया मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, अब जाना जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। जी हां, भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 15 नवंबर को इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य के परिवहन विभाग ने स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। कई स्तरों तक जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म पर बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
राजधानी दिल्ली में अब पॉल्यूशन की वजह से लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद दिया है इस पर बड़ा बयान। वहीं इसी कड़ी में पहली कार्रवाई के तहत एक हफ्ते के लिए स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को कर दिया गया है बंद। जी हां, दिल्ली में पॉल्यूशन के बिगड़े हालात के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। वहीं सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, यानी कि सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन फैसलों की घोषणा की और चेतावनी दी कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो कहना चाहते हैं कि अगर पॉल्यूशन के हालात नहीं सुधरे तो फिर संपूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। जाहिर सी बात है, संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब होता है कि सब कुछ बंद हो जाएगा। फिलहाल केवल स्कूल और सरकारी दफ्तर ही बंद रहेंगे। जो मार्केट या बाजार है उनके बंदी की खबर नहीं आई है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वो भी जितना हो सके अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाएं। वैसे आपको बता दें, पॉल्यूशन से केवल हमारे भारत का नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों का बड़ा ही बुरा हाल है। भास्कर.com की तरफ से दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले शहर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे टॉप यानी कि नंबर 1 पर, वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर, तो 8वें नंबर पर है चीन का एक शहर। देश के 62 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कार से सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत 12 को दिया गया खेल रत्न, वहीं 35 को अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को मिला द्रोणाचार्य सम्मान। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार को देश के 62 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए इस समारोह में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया, वहीं 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 10 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड देने की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान से हुई। कौन से खिलाड़ी किन खेलों को खेलते हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर राइट साइड में देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यूपी के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। वैसे आपको बता दें, हमारे चैनल पे जिस ऑफर की शुरुआत हुई है तो उसमें हिस्सा लेने के लिए सर्वे का जवाब देना जरूरी है। जवाब देने वालों में से किसी एक को रोजाना मोबाइल से जुड़ी एक मजेदार चीज मिल सकती है, जैसे कि ब्रांडेड ईयरफोन, स्पीकर या कैश प्राइज भी। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। कंगना रनौत ने अपने पिछले बयान पर किया पलटवार, कहा कि जो चोर है उनकी तो जलेगी। साथ ही कहा कि अगर कोई बता दे कि 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी तो वो पद्मश्री वापस कर देंगी। जी हां, आजादी को भीख बताकर ट्रोल हो रही कंगना रनौत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बॉलीवुड की जो मशहूर एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उन्होंने बयान दिया कि भारत को 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। भारत को असल आजादी तो 2014 में मिली है, जब पीएम मोदी की सरकार आई है। जाहिर सी बात है, इस बयान के देते ही कई सारे आम आदमी के साथ कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी कंगना से नाराज हो गई। लेकिन जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि कंगना रनौत अभी भी अपनी उस पुरानी बात पर टिकी हुई हैं। उन्होंने अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और तीखा वार किया है और ये कहा है कि अगर कोई उन्हें बता दे कि 1947 में कौन सी जंग हुई थी तो उनको जो अभी हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड मिला है वो उसे वापस कर देंगी। साथ ही कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें ये पता है कि 1857 में एक जंग लड़ी गई थी, लेकिन 1947 में कोई जंग हुई है या नहीं उनको इसकी जानकारी नहीं है। कंगना रनौत को लेकर एक और बड़ी खबर है, देखें इसे अगली खबर में। कंगना रनौत विवादों के बीच तेजस की रैपअप पार्टी में पहुंची, सामने आए मस्ती करते हुए फोटोज और वीडियो। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों 2014 में मिली आजादी वाले बयान पर विवादों में घिरी हुई हैं। इसी बीच कंगना ने अपने आने वाली फिल्म तेजस की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद दी। साथ ही इसी फिल्म की पूरी होने की खुशी में जो पार्टी रखी गई थी उसमें कंगना रनौत डांस करते हुए नजर आईं। SBI क्रेडिट कार्ड यूजर को लगा झटका, बैंक ने EMI के जरिए पेमेंट करने पर प्रोसेसिंग चार्ज लगाया। आने वाले 1 दिसंबर से लागू होगा ये नया नियम। जी हां, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके जरिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अब हर खरीदी पर 99 रुपए और साथ ही में टैक्स अलग से देना होगा। आपको बता दें, इसे प्रोसेसिंग चार्ज का नाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इस प्रोसेसिंग चार्ज की शुरुआत सबसे पहले SBI ही कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप SBI के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या SBI कार्ड से जुड़ी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।
लड़के के साथ भागने की दी गई भयंकर सजा। नाबालिग लड़की के चेहरे पर कालिक पोती, फिर सिर मुंडवाया, फिर सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर गांव में घुमाया। जी हां, गुजरात के पाटा जिले के हरीज गांव में गांव वालों ने एक नाबालिग के साथ तालिबान जैसा बर्ताव किया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पहले नाबालिग के चेहरे पर कालिक पोती और फिर इसके बाद सिर मुंड दिया। इसके बाद उसके सिर पर कंडे की आग से भरा मटका रखकर उसे गांव भर में घुमाया। आपको बता दें, 14 साल की इस लड़की पर कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ भागने का आरोप है, यानी कि मामला लव का है और इसीलिए गांव वालों ने इसे ये सजा दी है। कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वाले लाखों लोगों को अब लॉकडाउन में किया जाएगा बंद। यूरोप के ऑस्ट्रिया ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हां, यूरोप में कोरोना वायरस महामारी का कहर फिर से बढ़ता जा रहा है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो यहां तक कह दिया है कि यूरोप एक बार फिर महामारी का केंद्र बन गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना से फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित है पश्चिमी यूरोप, जहां संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं इसी बीच यूरोप के ऑस्ट्रिया ने टीका न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रिया में जो भी लोग कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे तो केवल उन्हीं लोगों के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें घर में बंद रखा जाएगा। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे अपने भारत की, तो भारत में नए मामलों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में बीते कुछ दिनों से इजाफा देखने को मिल रहा है। देखें कोरोना का ताज़ा अपडेट अगली खबर में। बीते रोज एक बार फिर से मिले 11,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 550 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,44,26,036 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,63,245 लोगों की जान जा चुकी है, जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 550 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,38,26,483 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,36,308 हो गई है। जी और मीडिया टेक ने लॉन्च किया ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, 12.5 लाख रुपए का मिल सकता है इनाम। जी हां, रिलायंस जी और मीडिया टेक ने गेमिंग मास्टर 2.0 को लॉन्च कर दिया है। ये एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट है जिसके लिए पबजी मोबाइल के भारतीय वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के साथ साझेदारी हुई है। इस गेम की इनामी राशि 12.5 लाख रुपए है। अगर आप इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जी और मीडिया टेक के इस ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की शुरुआत अरेना फ्री फायर से होगी। जानकारी के मुताबिक इस टूर्नामेंट में करीब 14,000 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। अगर आप भी गेमिंग मास्टर 2.0 में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जियो की जो गेम से जुड़ी वेबसाइट है आप उसको विजिट कर सकते हैं, जिसका URL है play.jiogames.com। उन्नीस नवंबर को होगा 580 साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, भारत के कुछ इलाकों से दिखेगा नजारा। जी हां, MP बिरला प्लेटेनेरियम के डायरेक्टर ऑफ रिसर्चर देवी प्रसाद दुआरी ने बताया है कि इस बार के चंद्र ग्रहण को अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आने वाले 19 नवंबर को इस साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसकी शुरुआत दोपहर 12:48 पर शुरू होगी। वहीं ये शाम के 4:17 तक रहेगा, यानी कि लगभग 3:28:24। इस चंद्र ग्रहण को लेकर जो एक अद्भुत जानकारी बताई गई है वो ये है कि बीते 580 सालों का ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि समय के एतबार से। अगर मिल गई होती पिता की मंजूरी तो जूही चावला के हस्बैंड होते सलमान खान शादी के लिए हाथ मांगने भी गए थे। जी हां, बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली जूही चावला का बीते रोज जन्मदिन था। जूही चावला की बीते रोज 13 नवंबर को उम्र अब 54 साल की हो गई है। 13 नवंबर सन 1967 में उनका जन्म अम्बाला के हरियाणा में हुआ था। वहीं जूही चावला को लेकर आप ये बात नहीं जानते तो आपको बता दें कि सन 1984 में उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसके बाद सन 1987 से उन्होंने सल्तनत फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, यानी कि ये उनकी पहली फिल्म थी। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि सलमान खान की कई फिल्में जूही चावला के साथ है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे जिसके बारे में सलमान ने खुद बताया था। सलमान ने कहा था कि जूही बहुत प्यारी हैं। मैंने उनके पापा से पूछा था कि क्या आप जूही की शादी मुझसे कर देंगे, लेकिन जवाब में जूही चावला के पिता ने सलमान खान को इनकार कर दिया। सलमान खान ने आगे कहा कि शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया, पता नहीं उन्हें किस तरह का लड़का चाहिए था। वहीं इसके बाद जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता को 1997 में अपना हमसफर बनाया।
भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को दुनिया में नंबर वन बनाना चाहते हैं नितिन गडकरी, तैयार किया है रोड मैप। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते शुक्रवार को कहा कि उनका उद्देश्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात के लिए दुनिया में नंबर एक बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, वर्तमान में हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि 5 साल के भीतर हमारा ये 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। कम दूरी के विमानों में बहाल हो सकती है खाना देने की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है इसकी जानकारी। जी हां, 2 घंटे से कम अवधि की उड़ानों में खाना देने की सुविधा फिर बहाल की जा सकती है। सूचना आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे दी है। आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास सुझाव भेजा था कि जिन विमानों की उड़ान 2 घंटे से कम है उनमें एक बार फिर से खाना सर्व होना शुरू हो सकता है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से कई महीनों से बंद है। पीएम मोदी 1,47,000 लाभार्थियों को आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे 700 करोड़ रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रविवार को देश के त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे, यानी कि घर बनवाने के लिए पैसे देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक में सीधे 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि पैसे लेन देन के मामले में बीच में कोई भी नहीं आएगा। सीबीएसई टर्म 1 कक्षा 10 के सभी विषयों के लिए फाइनल रिवीजन पीडीएफ कर दी गई है अपलोड, छात्र इससे उठा सकते हैं फायदा। जी हां, विद्यालयों में चल रही प्री बोर्ड से पता चला है कि काफी छात्र अभी भी टर्म 1 बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इसका खास कारण महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्टता की कमी और कम आत्मविश्वास है। जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से कई महीनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसी की वजह से आत्मविश्वास के मामले में कई सारे छात्र कमजोर पड़ रहे हैं। यानी कि जो छात्र ये महसूस कर रहे हैं कि वो सही से परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो इनकी मदद के लिए सीबीएसई ने फाइनल रिवीजन किताब उपलब्ध कराई है। इस किताब में सीबीएसई कक्षा 10 के सभी प्रमुख विषय शामिल हैं। 10वीं के छात्र इस किताब का पीडीएफ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर, देखें अगली खबर में। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में प्रमोट 10वीं 12वीं के छात्र दे सकते हैं 2022 की यूपी बोर्ड में परीक्षा। जी हां, कोरोना काल में यूपी बोर्ड ने सत्र 2021 के 10वीं और 12वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया था, लेकिन अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं तो वो आने वाले 2022 के सत्र में बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल फ्री में दे सकता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक छात्र 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर। फोन खरीदने वालों के लिए फायदे की बात, 10,000 रुपए से कम कीमत में आपके लिए है ये बेस्ट स्मार्टफोन। जी हां, अगर आप स्मार्टफोन पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, कोई 10,000 के अंदर का फोन लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपकी काफी हेल्प कर सकती है। अमरउजाला.com पर ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये 10,000 रुपए से कम वाले फोन अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट फोन है। तो पहला फोन है माइक्रोमैक्स कंपनी का 2BIN, इसकी कीमत 7,999 रुपए है। इसमें आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, बाकी वेरिएंट बदलने पर ये आगे पीछे हो सकता है। वहीं दूसरे नंबर पर है Realme C25। Realme के इस फोन की कीमत है 9,999 रुपए। इसमें आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, फिर वही बात के वेरिएंट बदलने से ये आगे पीछे हो सकता है। वहीं नंबर 3 का फोन है Motorola का Moto E7 Plus, इसकी कीमत 8,999 रुपए है। इसमें भी आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। वहीं चौथे और आखिरी नंबर पर है Realme का Narzo 30A, इस फोन की कीमत है 8,999 रुपए। इस फोन में भी आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कोई 10,000 से कम का फोन खरीदने वाले हैं तो इनमें से कोई फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी इन फोन के फीचर की और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर राइट साइड में देख सकते हैं। टेक्नोपॉप 5C बजट स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, कैमरे के साथ मिलेगा HDR का सपोर्ट। जी हां, टेक्नो ने अपने बजट स्मार्टफोन टेक्नोपॉप 5C को लॉन्च कर दिया है। टेक्नोपॉप 5C एक एंट्री लेवल फोन है जिसे Android 10 Go एडिशन के साथ लॉन्च किया गया है। डिस्प्ले का डिजाइन बेहद ही साधारण है। जानकारी के मुताबिक इस फोन में 1GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी टेक्नो की वेबसाइट पर।
डॉक्टरों ने दी चेतावनी, कोरोना की तरह डेंगू के बाद भी हो रहा है फंगस, दिल्ली में मिला है पहला मामला। जी हां, कोरोना की तरह डेंगू वायरस के बाद भी लोग जानलेवा फंगस की चपेट में आ सकते हैं। देश में पहली बार दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद मरीज की एक आंख की नजर चली गई है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि फंगस की वजह से काफी ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है। महाराष्ट्र के अमरावती में लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा, 4 दिन तक लागू रहेगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं भी कर दी गई हैं बंद। जी हां, महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लगातार दूसरे दिन हिंसा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी खुद दी है। जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में बीते शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो मामला हिंदू मुस्लिम का हो सकता है। बाकी इस हिंसा की और इस खबर की और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप वीडियो को कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 14 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।